ठहर जा है मां, इधर जा रहे हो हम मंजिल नहीं, जिधर जा शांति। ज्ञानामृत पीने वाले, बहुत रुचि से बाप को याद करने वाले, गायन पूजन योग्य प्रसन्न आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। मैं आत्मा, मेरा मेरा क्या क्या, दिन भर चेक करें कि हम क्या क्या मेरा मेरा कहते हैं करते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। सब कुछ भूल हमें क्या करना है, क्या कहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्यों बाकी सब मेरे को भूलना है? क्योंकि सब कुछ भस्मीभूत होने वाला है। वो मंजिल नहीं है जहां हम जा रहे हैं, तो ठहर जाना है, चेक करना है। बाबा हमें इस दुख धाम से नफरत दिलाते हैं ताकि हम आत्माएं आसानी से अपने अपने शरीर छोड़ सके और सही मंजिल पर जा सके। इस दुनिया से वैराग्य आए इसके लिए हमें कौन से ख्यालात करने हैं, हमारे विचार कैसे होने चाहिए और कौन सी रस्म रिवाज हमें नहीं करनी चाहिए, बाबा आज ये भी समझाते हैं। बाबा आज कई प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि जरूरत कहकर हम कितने पाप कर्म अनजाने में ही कर लेते हैं कि ये करना है, ये तो नॉर्मल है, ये शरीर निर्वाह के लिए है, ये जरूरत है। तो बाबा कहते हैं अब पूरा पूरा अटेंशन रखना है।
सुनते हैं 4 जून 2024 की बाप की समझानी। चार, तो पाटना भवन के चारों धाम की यात्रा रोज करनी है। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। इस शरीर को भी आग लगेगी और इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है, ये छीछी गंदी दुनिया के जो भी पदार्थ है, साधन है, सब कुछ खत्म होने वाला है। बाबा कहते हैं इसलिए अब इससे दिल नहीं लगाना है। मैं ये वो फलाना और मेरा ये सब कुछ, जहाँ जहाँ भी इसमें बुद्धि अटकी हुई है ना, ये सबको अब भूल जाना है। आग लगे, विनाश हो और अचानक हम घबरा जाएं, दिल शिकस्त हो जाए, इसलिए बाबा हमें पहले से ही तैयार कर रहे हैं, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाए। प्रश्न, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है, इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए, गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं कहाँ जाने, हमें हमारी मंजिल कौन सी है, शांति धाम सुख धाम, इसलिए अब इस गंदी दुनिया में रहना ही नहीं है। पता है कि आत्मा शरीर छोड़ेगी ही, तो इस शरीर को अब क्या देखना है, तो नष्टो मोहा हो जाए, शरीर से भी उपराम हो जाए। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए, किसी का ख्याल करते हैं, बेकारी ख्यालात आते हैं, बाबा कहते हैं तो भी पद भ्रष्ट हो जाएगा, तो अपने विचारों पर पूरा पूरा अटेंशन रखना है। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ, अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। सही मंजिल का पता पड़ गया है तो अब तो तैयारी करनी है ना। बाबा कहते हैं बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। कहीं दिल लगा हुआ है तो बाबा कहते हैं कि अब उससे भी दिल हटा लो। क्यों? क्योंकि वो भी खत्म हो जाएगा, फिर बहुत दुख तकलीफ होगी, इसलिए जो अंत तक साथ निभाएगा, हाँ, और उसके बाद भी साथ निभाएगा, ऐसे एक बाप में अब मन बुद्धि दिल लगाना है। बाबा कहते यह सब यहाँ के छीछी बंधन हैं। तुम समझते हो हम अपवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए छीछी ख्यालात से। स्थूल रूप से तो दूर की बात, बाबा कहते ख्यालों में भी कोई हमको हाथ न लगा पाए, किसी के विचार में अब हम न हो, न किसी के प्रति हमारे विचार चले और न कोई हमें सोचे, न हम किसी को सोचे। तो बाबा कहते हैं अब तुम पवित्र बने हो, तो यही है ना कि हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए छीछी ख्यालात से, हाँ, गलत भावना से कोई हमारा शरीर ना छुए। वह ख्यालात ही निकल जाते हैं, तो चेक करना है अपने ख्यालात। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा ना सके, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर ना सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, अनसुधरेली माना बिगड़ी हुई हैं, शरीर के साथ छीछी काम करती हैं, छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं यह सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है, यह तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी
दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, किसी के बारे में गंदे ख्याल ना हो, सिर्फ काम विकार को लेके नहीं, किसी आत्मा के बारे में यदि हम कुछ भी गलत सोचते हैं या उनको जज करते हैं या उनके स्वभाव संस्कार के कारण हमारे मन में उनके प्रति कुछ भी चलता है, तो बाबा कहते हैं ये सब भी ख्यालात नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक ख्याल कि ये आत्मा मेरा भाई, एक बाप के हम सब बच्चे तो आपस में भाई भाई, भल उनमें कोई कमी कमजोरी है या कोई विशेषता है, तो बाबा कहते हैं विशेषता है तो ये सोचो किसकी देन है, बाबा की देन है। हाँ, और कमी कमजोरी है तो आत्मा अभी परवश है, तो बाबा से शक्ति लेकर उनको शक्ति देनी है। शुभकामना शुभ भावना, और बाबा का परिचय उनको मिले और वो आत्मा भी शक्तिशाली बने, अपनी कमजोरियों से छुटकारा पा सके, ऐसी हमारी शुभकामना शुभ भावना होनी चाहिए। सबके प्रति शुभ चिंतन हो, ऐसे ख्यालात हों। तो बाबा कहते हैं बाप तो अभी आए हैं सभी को स्वर्ग में ले जाने के लिए। हाँ, सब जाएंगे, जो बाबा का कहना मानेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो, कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। ममत्व नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष भी नहीं हो, हाँ, किसी के प्रति ईर्ष्या घृणा नफरत भी नहीं हो और राग भी नहीं हो, मोह भी नहीं हो, शुद्ध प्यार हो, ममत्व मिट जाए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी यह विश्वालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं, विकारों के कारण ही हमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। जब से ये विकार चालू हुआ द्वापर से, देखो दुख की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी, और कलयुग अभी अंत, तो आदि मध्य अंत, और फिर जन्म भी कैसे होता है, विकार से। हाँ, गर्भ जेल है ना, तो उसमें भी दुख है, फिर धीरे धीरे देखो बच्चा बड़ा होता है, दुखी होते जाता है, अंत में आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी दुखी होकर मर रहे हैं, तो आदि मध्य अंत दुखी है ना विकार के कारण। तो इसलिए बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं, अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, न वैर हो न राग हो किसी से, वीतराग हो, वैराग्य हो जाए, संभाव हो। तो बाबा कहते हैं, इस छीछी दुनिया नर्क वेश्यालय में हमको रहना नहीं है, तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ, मैं तुमको इस वेश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा, तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए। नई दुनिया में कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र को जानने से माना स्वदर्शन चक्र फिराने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, कोई भी देह के संबंध याद न आए, यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। किसी देहधारी से सुख यदि अनुभव कर भी रहे हैं तो बाबा कहते उसमें भी बुद्धि ना जाए, और दुख देते हैं तब तो फिर बुद्धि जाती है, दिमाग में घूमता रहता है। तो बाबा कहते हैं, जिनसे प्यार है वो दिल में होते हैं और जिनसे नफरत होती है वो दिमाग में होते हैं, लेकिन हमें तो दिल दिमाग दोनों में किसी भी देहधारी को जगह
देनी ही नहीं है। कोई भी देह के संबंध याद न आए, मन बुद्धि दिल सब एक बाबा में लगी रहे। तो बाप डरती दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी युक्ति है, पुराना शरीर है ना। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे, यह शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, शरीर खत्म आत्मा निकल गई तो फिर जैसे कि सब कुछ खत्म है ना, फिर तो कुछ अनुभव कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया, आप गए तो आपके लिए तो दुनिया खत्म, सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है, बाप को घर को स्वर्ग को याद करना है। अब हम चेक करें हमारा मुंह किस तरफ रहता है। हाँ सबका मुंह अभी कहाँ है, सिर्फ मोबाइल पे ही है ना, देखते हैं ना क्या देख रहे हैं मोबाइल पर, कितना देखेंगे। हाँ अपना स्क्रीन टाइम चेक करें और बाबा को याद करने का टाइम चेक करें, सारी कहानी सबके सामने आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप को घर को स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है, बाबा तो कहते हैं ना कलयुग की शादी बर्बादी है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो, यह है ही वेश्यालय, सब पतित ही पतित है, रावण राज्य है। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। जब पता है कि ये बंधन है, इनके कारण ही हम पाप कर रहे हैं और फिर सजा भी खानी पड़ेगी, तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें, सेवा का संबंध बना लें। बाप सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, द्वापर में शुरुआत में दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। हाँ अब तो देखो कहाँ जंगल, कॉन्क्रीट जंगल में मंगल होता है। तो बाबा कहते हैं सबको आकर्षण होती थी, मनुष्य वहां जाकर उनको खाना पहुंचा आते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वो सन्यासी पवित्र रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और देखो लोग उनको जाकर भिक्षा देते थे। तो बाबा कहते हैं बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए ये सब बातें समझने के, हमें भी निडर बनना है। हाँ किसी से भी डरना नहीं है, बाबा मिल गया ना, बाबा जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, तो किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। पवित्रता भी निडर हो के अपनानी है। तो बाबा कहते हैं बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है, हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहां ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं, निरोग धाम है। सुख धाम क्या है, निरोग धाम। और यहाँ देखो कर्म कैसे, खान पान कैसा, तो इसलिए बीमारियां भी कैसी कैसी। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं, यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। वो लोग क्या कहते हैं, 3 मिनट साइलेंस। कई बार मौन रखते हैं ना, किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो भी मौन रखते हैं। तो बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा,
यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। साइलेंस क्या है? मौन क्या है? हाँ, मन का, मुख का, मोबाइल का मौन, ये साइलेंस, ये क्या है? बाबा कहते हैं ये तो वरदान है। और खाली वो साइलेंस में रहते हैं, चुप हो भी गए 3 मिनट, लेकिन मन कहाँ कहाँ भागता है, बुद्धि कहाँ जाती है, बाबा को तो याद करते ही नहीं है। तो आत्मा समझ के परमात्मा बाप को शांति धाम में हम याद करते हैं, एकाग्रता होती है, तो विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं साइलेंस का वर देने वाला बाप है। शांति सागर की लहरों में लहराएंगे तब तो शांति अनुभव करेंगे ना। तो ये हमारे लिए जो बाबा ने सिखाया, ये वरदान है कि किस तरह से शांति अनुभव करनी है, तो इस अनुभव को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पढ़ाना है, हाँ, पाठ पढ़ाना है सबको। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाबा कहते हैं ना, निडर होकर समझाओ। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। बाबा जिम्मेवारी लेते हैं, अंत तक दाल रोटी खिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन, उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया। वेदांती दीदी ने लिख दिया, सच लिखा कि गीता का भगवान शिव, तो फेल कर दिया, क्योंकि दुनिया तो समझती है ना श्री कृष्ण। हाँ, अभी सोचो कौन बनेगा करोड़पति में, सवाल आ जाए एकदम करोड़ों का, और उनको पता है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं और आपको ऑप्शन दे दिया, तो क्या ऑप्शन पे टिक करेंगे? हाँ, श्री कृष्ण या शिव? हाँ, अब ब्रह्मा कुमारी बच्चे, बाबा के बच्चे तो शिव ही लिखेंगे, तो भले ही पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन सेवा तो हो गई ना। हाँ, सबको एक साथ पता लग जाएगा, माने न माने उनका अपना अपना भाग्य है, लेकिन जिस पर्पस से गए कौन बनेगा करोड़पति खेलने, वो देखो वो सिद्ध हो जाएगा, असली कमाई करके आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो वेदांती बच्ची ने लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, लेकिन बाबा के रिजल्ट में पास हो गए। हाँ, बाबा से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कौन सा इम्तहान पास करना है, भगवान का या इंसानों का? तो बाबा कहते हैं और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया, बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने कारण ना पास कर दिया, फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा, श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। तुम जानते हो अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती हैं। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। बाबा कहते हैं हमेशा सत्य बात भी रखो लेकिन सभ्यता के साथ। तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स के पास जाओगे फिर क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। हाँ, बाबा कहते ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, डरो मत, केले से दही से भी रोटी खा सकते ना, जरूरी थोड़ी कि हर दिन 56 प्रकार के व्यंजन खाने हैं, हर दिन पार्टी करनी है, नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं, कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, बाल बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं, इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। आजीविका के लिए बाबा कहते हैं झूठ बोलना नहीं चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, कितना चाहिए खाना? हाँ, पेट भरने को तो रोटी मिल ही जाएगी ना, काम तो चल ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं झूठ बोलने की, पाप करने की दरकार नहीं है, तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो,
अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो, शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। देखो, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, इतनी दुर्गम यात्राएं करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है, बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। और हमारा बाप तो विचित्र है, उनका चित्र क्या रखेंगे। ये तो ब्रह्मा बाबा का चित्र भी देख के लोग कहते हैं ना कि आपने इनका चित्र क्यों लगाया है, क्या ये आपके गुरु हैं। ये तो विदेश की सेवा जब चालू हुई तो फिर तब से ये बाबा के कमरे में रखा जाने लगा, दादी जानकी ने ये चालू किया। तो बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए की आए, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है, सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। बाबा ने तो देखो कितनी धार्मिक पुस्तकें, शास्त्र, वेद सब पढ़े, 12 गुरु किए, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे ना दादा लेखराज जी। तभी तो बाबा ने चुना ना इतने अनुभवी, अच्छे संस्कार वाले, रॉयल पर्सनैलिटी। तो बाबा कहते हैं कि यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। बाबा तो शुरू से गीता पढ़ते थे ना, और फिर देखो सच्ची गीता उनके मुख से ही निकलने लगी। तो बाबा कहते हैं तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बीच में यह भी है। तो इसीलिए देखो नंदी बैल दिखाते हैं, मंदिर अंदर शिवलिंग और बाहर में नंदी बैल। तो अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है, ऐसे ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिलेगा। हाँ, इसी में संतुष्ट हो जाती हैं हम आत्माएं, जो नसीब में होएगा, जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, मिल जाएगा, इसमें संतुष्ट होना है। हाँ, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पा सकते हैं, अपना ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। तो स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, पुरुषार्थ में ड्रामा का पॉइंट नहीं यूज करना है। तो बाबा कहते हैं यदि यहाँ पढ़ाई नहीं की तो फिर जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजाई मिल न सके, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में, फिर अंत में थोड़ी राजा बनना है। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। दो बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का। बेहद बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है, पद पाने के लिए ही कितना मारा मारी करते हैं। पद पाने के लिए कितना मारा मारी करते हैं, देखो देखते हैं ना कितनी तिकड़म लगाते हैं, कितने छल कपट करते हैं कलयुगी पद पाने के लिए। देखो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे, विनाश की सामग्री का भी लेन देन होगा। तो यह इतने सब धर्म थे थोड़ी, इतने सब धर्म पहले थोड़ी थे, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, क्या रहम करें, कम से कम ऊंच पद तो पाए। अब जब स्वर्ग में जा रहे हैं तो ऊंचे से ऊंचा पद ही ले ना, जब नंबर वन में ही आना है, यही लक्ष्य रखें, तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। हाथ सब उठाते हैं ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, तो फिर पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए, अपने ऊपर रहम करो, पुरुषार्थ करो।
बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। हाँ, तन मन धन से सेवा करनी है तो देखो माताएं हैं, कुमारियां हैं, जिनके पास जितना सा धन वो भी लगा देती हैं कि ये सफल कर दे, कम से कम एक ईंट लग जाए। देखो एक ईंट लग जाए तो एक एक महल के अधिकारी बन जाते हैं। जो दे नहीं सकता वो अपना सब कुछ दे देता है, और जो दे सकता है वो देता नहीं है। हाँ, विडंबना है ये भी। तो बाबा कहते हैं सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसी ऐसी भोली माताएं। देखो खेत में तरबूज हुआ, तरबूज मधुबन भेज दिया, लिख के एड्रेस टू शिव बाबा के रो ब्रह्मा बाबा पांडव भवन मधुबन राजस्थान, ऐसे लिख के और तरबूज को ट्रेन में रख दिया, पहुंच गया। कोई भी चीज़ होता था, पपीता है या खेत में कोई भी चीज़ हो रहा है, तो देखो कैसे मधुबन भेजते थे, बच्चे लाकर बाबा को देते थे। ये तो भाव की बात है। तो बाबा कहते हैं चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना, बाबा परसेंटेज देखते हैं। तो साहूकार का ज़्यादा धन और गरीब का थोड़ा सा भी धन बराबर है। तो कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पाप आत्माओं को ही करते हैं। एक तो पाप कर्म कहते हैं खुद करते हैं, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए धर्माऊ निकालते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना कि जो जितना ज़्यादा पाप करता है वही धर्म करता है, और फिर जो लेन देन करते भी हैं, देते हैं दान धर्म, वो भी पाप आत्माओं से ही करते हैं। तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है, पाप आत्माओं को देंगे उनसे और पाप होता है, तो और सजा के भागी बनते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है, आपने दिया उसका गलत हुआ यूज, मिसयूज हुआ, तो आप भी सहभागी बन जाते हो। ऐसे करते करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं, किया कराया करते का अनुमोदन किया, सबकी सजा एक ही है। तो पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो, नई दुनिया में गंद होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग कहने से बाबा कहते हैं मुख में पानी आ जाता है, जाना है स्वर्ग सबको। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार हैं, आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पार्ट बजाने आते हैं, कहाँ है सब, पर्दे के पीछे हैं। परम धाम से देखो सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है, एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, चित्र में राम को बाण दे दिया है। वहां बाण आदि की तो बात नहीं, यह भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़ी प्यार करेंगे, सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। जो मिलजुल कर रहे, सर्विस करें, पढ़ाई करें, ऐसे बच्चे हद के बाप को भी और बेहद के बाप को भी अच्छे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। देखो कौरव लड़ेंगे, यादव लड़ेंगे और माखन, बादशाही किसको मिलेगी, हम पांडवों को। तो सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, आलस अलबेलापन नहीं करना है, छींची नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं,
याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। हाँ, सजाएं मिलेंगी, पता चलेगा रिजल्ट, तो फिर खून के आंसू बहाएंगे। हाँ, जार जार रोएंगे, बहुत रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। हाँ, बहुत दर्द होगा, चीख चिल्लाहट पीड़ा से कराएंगे, रोएंगे। बाप कहते हैं, न पियर घर न ससुर घर को याद करना है। कौन से घर को याद करें? भविष्य नए घर को ही याद करना है। नए घर को याद करो, जो कि हम अपने पुरुषार्थ से उस घर में जाते हैं। बाप समझाते हैं, कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है। हाँ, लट्टू नहीं बन जाना कि उसके प्रभाव में आ गए, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दिया, किसी देहधारी पर। बाबा कहते हैं, फूल बनना है, पवित्र फूल। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। फूल बनना है, हाँ, इंग्लिश वाला फूल नहीं बनना है, अब हिंदी वाला फूल बनना है। किसी पर लट्टू हो गए, माना फूल बन भी जाते हैं आजकल तो, इंग्लिश वाला फूल FOOL। किसी पे लट्टू हुए, माना फूल ही है, लट्टू होना है ना, तो बाबा पर लट्टू हो। वो आया है हम पर सब कुछ लुटाने, लूट लो, हो जाओ लट्टू, लुटा दो अपना सब कुछ उस पर, लुट जाओ उसके लिए, है ना। तो हमें अल्लाह के बगीचे का फूल बनना है। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है, यहां ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह, सतयुग। तो फूल बनना है, खुशबूदार फूल। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है, छी-छी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरा, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठे सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है, एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये विधि है निर्विघ्न बनने की। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। तो निर्विघ्न बनना है, औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है, उनको भी निर्विघ्न बनाना है, यही सच्ची सेवा है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसी सेवा करें तो बाबा कहते हैं, आपको तो सतयुग में आना ही है, जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाता है, और फिर और भी जीवन मुक्ति में आए, और भी हमारे सतयुग में राजाई में आए, सतयुग के भाती बने, इसके लिए भी हम निमित्त बन जाते हैं। तो खुद भी आना है, औरों को भी लाना है, निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक बन के औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। ये सब कैसे होएगा? एक परमात्मा लगन से।
तो ऐसी तपस्या करें, एक में एक से एक के लिए एक व्रता। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ये संबंध, वो संबंध, कितने संबंध है, इससे प्यार, उससे प्यार, हाँ, इससे स्नेह। बाबा कहते हैं सर्व संबंध एक से अनुभव करो, सारे इधर उधर के बिखरे स्नेह क्या है, सब एक में समा जाए। स्नेह सागर में हमें समाना है, एक बाप से स्नेह रखना है, तो फिर इतने सारे संबंधों को और बंधनों को संभालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा बंधन मुक्त कर देगा। सेवा का संबंध होगा, बाबा से स्नेह होगा, तो ये दुनिया के लौकिक संबंध भी अपने आप सुधर जाएंगे, फिर प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि सेवा का संबंध है ना, जब बंधन रहता है तभी हमें राग या द्वेष होता है, तो नष्ट मोह बन जाएंगे। इसके लिए भी एक बाप से ही स्नेह रखना है। तो ये थी आज की मुरली रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट। आज की मुरली में बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि साइलेंस वरदान है। तो ऐसी भागती दौड़ती दुनिया में, हाँ, अंदर का शोर बाहर का शोर इतना, ऐसे समय में साइलेंस वरदान है, तो इसका अनुभव हमें बढ़ाना है। दूसरा, नष्टो मोह, किसी भी देहधारी में मोह न अटके, कोई भी साधन में मोह न अटके। ये सब क्या है, सुनहरी मृग है जो हमें भरमा रहा है, मंजिल से दूर कर रहा है, तो नष्टो मोह बनना है। तीसरा, पुण्य आत्मा बनना है, चेक करना है, अब पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है, पुण्य आत्मा बनना है, सतयुगी फूल बनना है हमें, अभी हम संगम युगी है ना, संगम पर है, अभी फूल बन रहे हैं, तो खुशबूदार फूल बनना है। चौथा, तपस्वी मूर्त, एक व्रता की तपस्या। और पांचवा, स्नेही, एक बाबा से स्नेह, सही मंजिल पता चल गई है, सही मार्ग मिल गया है, तो बस अब इस मंजिल की ओर ही बढ़ना है। तो साथी कौन, इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, पहुंचने के लिए हमारा साथी कौन है, जो साथी है वही हमारी मंजिल है, हाँ, तो बाबा, बाबा साथी, बाबा मंजिल। ओम शांति।
मन।